चुनाव से पहले ही अमेठी जिले में सियासी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। सीएम योगी खुद अमेठी जिले पहुंचकर विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, इसे लेकर जोरदार तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सीएम योगी अपने आखिरी दांव में अमेठी जिले को क्या सौगात देने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टीम नेशन। 3 जनवरी को जगदीशपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शिरकत करने वाले हैं, जहां वो जिले के सबसे बड़े राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे और साथ ही 200 बेड का रेफरल हॉस्पिटल का लोकार्पण भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा हुआ है। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमेठी की जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में जन विश्वास रथ यात्रा का स्वागत करेंगे। कार्यक्रम जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के मुबारकपुर में होगा। आपको बता दें कि सीएम तिलोई के पूरे गोबरे में राजकीय मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे, तो वहीं तिलोई के रास्ता मऊ में पहले 200 बेड के रेफरल अस्पताल का लोकार्पण भी किया जाएगा। तैयारियों का जायजा लेने अमेठी के विधायक और राज्य मंत्री सुरेश पासी खुद पहुंचे। सुरेश पासी ने ग्राउंड में अधिकारियों से मुलाकात की और उनसे पूरी तैयारियों का ब्यौरा मांगा। इसी के साथ मौके पर जिले के SP भी मौजूद रहे, जिन्होंने चप्पे चप्पे की जांच करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। यह खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।